हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक शॉप के लिए छोटा सा सॉफ्टवेयर हम कैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे क्रिएट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 वर्जन मैंने ओपन किया है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखेगा व्यू, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा, डिजाइन व्यू पर आ जाइएगा। डिजाइन व्यू पर आने के बाद आप यहाँ पर आपको क्या करना है कि सारी चीजें डिजाइन करनी है, ठीक है। कैसे डिजाइन करेंगे, यहाँ पर जैसे मान लीजिए टेबल वन है, इसको मैं नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ शॉप, ठीक है, इसी के नाम से इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे आईडी आ रही है, तो चाहे तो आप यहाँ पे टेबल के फॉर्मेट में भी सेट कर सकते हैं और चाहे तो आप फॉर्म में भी जा सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली चलेंगे टेबल में। तो अभी टेबल में ही हम मौजूद हैं, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट आईडी डाल देता हूँ। यहाँ पे डाल दिया हमने प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, यहाँ पर आएगी प्रोडक्ट आईडी। अब यहाँ पर आएगा प्रोडक्ट नेम, ठीक है, तो ये हो गया प्रोडक्ट नेम। अब इसे मैंने प्राइमरी की बनाया है, ये बात आपको ध्यान देनी है। यहां पर जब आएंगे तो यहां पर क्या करता हूं, मैं यहां पे डाल देता हूं प्राइस। अब प्राइस का जो डेटा टाइप है वो मैं रखूंगा करेंसी, ये करेंसी कर लिया हमने। अब इसके बाद यूनिट, तो यूनिट को मैं क्या करता हूं, यहां पर आप डेटा टाइप भी चूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो ये यूनिट जो है मैं इसे बना लेता हूं नंबर, और यहां पर लॉन्ग इंटीजर के बजाय दे देता हूं डबल, यहां से आप डबल चूज कर लें। और यहां पर अब टोटल की बात आएगी, यानी कि टोटल कॉस्ट कितनी आई वो यहां पे हम लगा सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। अब यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर भी हम करेंसी रखेंगे। करेंसी रखने के बाद यहां पर टैक्स कितना कटेगा, वो टैक्स यहां पर आएगा, जाएगा टैक्स अमाउंट, ठीक है, तो इसके हिसाब से टैक्स अमाउंट यहां पर आ जाएगा। तो ये टैक्स अमाउंट यहां पर आप कर दीजिए, ये टैक्स अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। और इसको डबल बना लेता हूं ताकि डेसिमल में भी नंबर्स एंटर कर सके। अब बस यहां से ओके प्रेस कर दीजिए, क्लोज कर दिया, ठीक है। अब यहां पर जैसे ही आएंगे तो इसको सेव कर लेंगे पहले, तो ये इस तरह से आएगा। लेकिन हमें क्या करना है, फॉर्म क्रिएट करना है। तो यहां से हम चलेंगे फॉर्म पर और यहां से ब्लैंक फॉर्म हम ले लेंगे। अब ब्लैंक फॉर्म लेने के बाद हमें डिजाइन व्यू में आ जाना है। डिजाइन व्यू पे ही सारी डिजाइनिंग होती है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं ये बातें। तो अब यहां पर आने के बाद आपको क्या करना है, इसको यहां से ड्रैग करके नीचे लेके आइए, ठीक है। नीचे लाने के बाद आपको क्या करना है, ब्लैंक फॉर्म हमें दिख रहा है, ठीक है। एड एग्जिस्टिंग, यहां पर आकर के ये प्रोडक्ट आईडी ले लिया हमें, इसकी जरूरत है हमें। फिर प्रोडक्ट नेम, अगर प्रोडक्ट नेम की जरूरत है तो प्रोडक्ट नेम भी ले लीजिए। प्राइस की जरूरत है, प्राइस ले लीजिए। यूनिट की जरूरत है, यूनिट लीजिए। टोटल टैक्स और टैक्स अमाउंट अगर चाहिए तो वो भी ले लीजिए। अब इसमें सेटिंग कर लीजिए, जैसे मान लीजिए ये टैक्स अमाउंट यहां पर होना चाहिए, अगर आपको लगता है कि यहां पर होना चाहिए तो यहां पर डाल दीजिए। ये टैक्स जो है इसके ऊपर होना चाहिए तो यहां पर टैक्स रख लीजिए। जैसे आपको सेटिंग ठीक लगती हो वैसी सेटिंग आप खुद से कर सकते हैं। अगर आप टाइटल देना चाहते हैं तो यहां पर टाइटल आपको दिख रहा होगा, ये यहां पर आप टाइटल दे सकते हैं, ये टाइटल दे दिया। और यहां से ये फॉन्ट जो है चेंज कर लेते हैं बोल्ड करके, और ये ओके। तो ये हमने फॉन्ट भी चेंज कर लिया, और यहां से इसको कर देंगे ये हो गया। इसका चाहे तो आप कलर बदल सकते हैं, कैसे कलर बदलेंगे, यहां से आप चूज कीजिए, कोई भी बैकग्राउंड आप चूज कर लें। ये बैकग्राउंड इसी बैकग्राउंड में आएगा, अगर इस पे भी बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो यहां पर भी आप बैकग्राउंड लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बैकग्राउंड लगा दिया, ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है। अब इस पे फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। फॉर्मूला आप आसानी के साथ यहां अप्लाई कर सकते हैं, कैसे, जैसे अगर आपको टोटल चाहिए तो यहां पर रखिए कर्सर को, राइट क्लिक कीजिए और आप आ जाइए प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज ऑलरेडी यहां पर खुली हुई है, तो यहां पर हम आते हैं कंट्रोल सोर्स पर। ये टोटल दिख रहा है, यहां पर आ जाइए और यहां पर कोलन लगा करके, ठीक है, या फिर इसको हटा दीजिए, यहां पर डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। यहां पर हमें किसको किसको ऐड करना है, किसको किसको मल्टीप्लाई करना है, जैसे प्राइस को मल्टीप्लाई करना है किससे, यहां पर प्राइस इंटू यूनिट कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बटन्स कैसे बनाएंगे, ये बटन पर क्लिक कीजिए और यहां पर इसको ड्रैग करवा दीजिए, तो ये पहला बटन आपका बन जाएगा। अब ये बटन किस चीज का होगा, ये बटन होगा गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड का, तो ये गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड का बटन हो गया। इसको टेक्स्ट रखेंगे हम, यहां से ओके प्रेस करेंगे और यहां से इसको फिनिश करेंगे, तो ये गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड का बटन भी क्रिएट हो गया, ठीक है। अब हमको
यहां से फिर बटन पे क्लिक करना है और यहां से हमको प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाने का बटन बना लेना है। तो ये प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाना है तो गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक कर दीजिए और यहां से टेक्स्ट रखिए, ओके प्रेस कीजिए और यहां से ओके प्रेस कर दीजिए, तो ये प्रीवियस रिकॉर्ड का भी बटन बन करके तैयार। ओके, अब फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब जो होगा हमारा बटन पे क्लिक करेंगे और फिर एक और बटन ऐड न्यू रिकॉर्ड का बटन हम बनाएंगे, ठीक है। तो यहां पे क्लिक करके और यहां से रिकॉर्ड ऑपरेशन पे जाएंगे और ऐड न्यू रिकॉर्ड यहां पर आपको दिखेगा, ये इस पे क्लिक करके और फिर टेक्स्ट पे क्लिक करके और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर फिनिश करेंगे, तो ऐड न्यू रिकॉर्ड का बटन हम बना सकते हैं, ठीक है, बना लिया हमने। और फिर अब डिलीट रिकॉर्ड का बटन बनाएंगे, तो बटन पर क्लिक कीजिए वापस से, ये डिलीट रिकॉर्ड का बटन यहाँ पे दिख रहा है, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ टेक्स्ट रखिए और यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए, फिर फिनिश कीजिए, तो ये डिलीट रिकॉर्ड का भी बटन बन करके तैयार हो जाएगा आपका। तो ये सारे बटन बना लिए हैं, और कोई बटन अगर आपको बनाना हो तो यहाँ बटन पर क्लिक करके और आप जा सकते हैं और भी बटन इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका बैकग्राउंड पे कलर हमको लगाना है, तो जो भी कलर आपको ठीक लगता हो आप कलर लगा ले यहाँ से, ठीक है। ये कलर मैं लगा देता हूं और इसको थोड़ा सेटिंग कर देता हूं, तो ये हमारा हो गया है। अब यहां से व्यू पे हमें करना है क्लिक, तो जैसे ये हमारा सॉफ्टवेयर बनकर के तैयार है, कोई भी प्रोडक्ट का नेम यहां पे डालेंगे हम, जैसे मान लीजिए हमने डाल दिया कीबोर्ड, ये डाला हमने कीबोर्ड डाला, फिर यहां पर प्रोडक्ट आईडी अपने आप आ जाएगी, आपको डालने की जरूरत नहीं। कीबोर्ड मान लीजिए 500 रुपए का है, तो यहां 500 रुपए आ गए। अब 4 यूनिट कीबोर्ड्स के आप परचेस कर रहे हो तो यहां पे टोटल अपने आप आ जाएगा।